नमस्ते सभी को भैया, स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। जी महेश पंत जी, आपका हैंड रेज्ड है। महेश पंत जी, इंद्रपाल जी, मुझे लगता है आपसे बात हो चुकी है। जी तो अभी मैं किन्हीं का अगर कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। तो कल जितनी हम लोगों ने बात की थी उससे आगे हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। अभ्यास एक के स्टेप वन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसमें कल हमने एक असाइनमेंट लिया था कि अपनी कल्पनाशीलता की ओर ध्यान देना है। कल्पनाशीलता की ओर ध्यान देने जाते हैं तो पहले तो शायद कुछ भी दिखाई न दे स्पष्ट रूप से, फिर विचार की ओर ध्यान जाता है तो उसको और स्पष्ट रूप से कैसे देखें, उसके लिए एक अभ्यास हमने शुरू किया था कि जिस भी मुद्दे पर ध्यान जा रहा है, जिस भी बिंदु पर ध्यान जा रहा है उसको लिख लें और उसको लिखते चले क्रमशः। तो हमारे विचार कैसे कैसे माइग्रेट कर रहे हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु, वो हमको ध्यान में आने लगता है। फिर हर एक विचार के साथ क्या भाव जुड़ा हुआ है उसको भी देख सकते हैं। तो एसेंशियली देखें तो स्टेप वन में, पार्ट वन में हम पूरी कल्पनाशीलता को देखने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी कल्पनाशीलता हमको दिखाई दे, अल्टीमेटली हमारी कल्पनाशीलता में चल क्या रहा है, हमारे विचार का मुद्दा क्या है। और उसी के पार्ट बी में अगर हम देखें तो हम हर एक कल्पनाशीलता के बिंदु पे हमारा क्या भाव बना हुआ है उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल जो दिन भर आपने अभ्यास किया और हम लोगों ने ये भी सोचा था कि हर 4 घंटे पे 15 मिनट समय लगाएंगे, तो ये एक शुरुआत है जिसमें हम अपने भाव के प्रति धीरे धीरे सजग होने लगते हैं, विचार के प्रति सजग होने लगते हैं। तो ये अगर हम दिन भर इसको बनाए रखें इस अभ्यास को तो बहुत ही उपयोगी रहेगा। जी कल के पूरे अभ्यास को लेकर यदि किसी का कोई प्रश्न बना हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। प्रभात कुमार जी। हाँ भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। अच्छा भैया, पहला तो ये पूछना है कि कल्पनाशीलता और विचार में क्या अंतर होता है, क्योंकि दो वर्ड यूज हो रहे हैं लगातार। मतलब मेरे ख्याल से तो एक ही मुझे लगता है, जैसे जो सोच रहे हैं। तो कल्पनाशीलता का ही एक भाग है विचार। विचार शब्द का प्रयोग दो तरह से किया जाता है। जब आयाम की बात कर रहे हैं, डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो विचार के आयाम को तो कल्पनाशीलता के साथ इक्वेट कर रहे हैं कि पूरी कल्पनाशीलता ही विचार का आयाम है। परंतु विचार को जब क्रिया के रूप में देख रहे हैं या शक्ति के रूप में देख रहे हैं तब कल्पनाशीलता का एक भाग है। कोई उदाहरण होगा भैया जिसका, जैसे कैसे? हाँ, जैसे अगर हम अपनी कल्पनाशीलता को देखें तो उसमें हमारा भाव भी शामिल है, विचार भी शामिल है, आशा भी शामिल है। तो जैसे अगर हम किसी अपने संबंधी के बारे में ध्यान दे रहे हैं तो संबंधी के प्रति हमारा कोई भाव है, वो हमारे इच्छा में है, और उस संबंधी के साथ घटी हुई घटना का भी हम विश्लेषण कर रहे हैं और तुलन भी कर रहे हैं, ठीक लगा नहीं लगा, ठीक हुआ नहीं हुआ, ऐसा करना था वैसा करना था। और फिर जैसा भी अपने के अंदर विश्लेषण हो रहा है, तुलन हो रहा है, उसके ऊपर स्वादन हो रहा है, उसको हम वैसा विश्लेषित करके तुलन करके आराम पा रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो स्वादन हो रहा है, सुख पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, और उसी के साथ फिर चयन भी हो रहा है। यानी कि हम उस मुद्दे पे विचार करते रहेंगे या किसी और मुद्दे पे ध्यान देंगे, ये भी एक चयन है। जिस मुद्दे पे विचार कर रहे हैं उसके आधार पर शरीर के साथ कुछ कर रहे हैं, वो भी एक चयन है। चयन मतलब चुनना। जैसे हम किसी मुद्दे से परेशान होते हैं तो हम शरीर की अवस्था बदलने लगते हैं, हिलने डुलने लगते हैं, पैर हमारे हिलने लगते हैं, ठीक है ना, बैठने की स्थिति हम बार बार बदलने लगते हैं। अगर हम परेशान होते हैं, आराम में होते हैं तो एक तरह से बैठे रहते हैं, तो ये भी एक चयन है। अपने को आगे इसी मुद्दे पे ध्यान देते रहना है या कुछ और मुद्दे पे ध्यान देना है, ये भी एक चयन है। तो ये चयन की क्रिया साथ साथ चल रही होती है। तो विचार का एसेंशियली मतलब देखें तो जो हमारे में विश्लेषण की क्रिया हो रही है, जो तुलन की क्रिया हो रही है, ये विचार है। कल्पनाशीलता में ये सब है, इच्छा भी है, विचार भी है, आशा भी है। ठीक है भैया, कुछ समझ में आया, धन्यवाद।
अगर सेल पे जो डायग्राम हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे ना, उसको ध्यान में रखेंगे तो ये चीजें स्पष्ट होंगी। इनफैक्ट वो जो डायग्राम है उसको हम लोग डाउनलोड करके रख लें, वो तो जो स्लाइड शेयर किए जा रहे हैं उसमें भी है, अगर उसको हम डाउनलोड कर लेंगे और एक बार उसको एक नजर ठीक से देख लेंगे जो शब्द का प्रयोग हो रहा है। इसलिए हम लोग कुछ असाइनमेंट्स भी लिए थे कि स्लाइड पे जो भी शब्द हैं उनका अर्थ हमको ठीक से स्पष्ट हो गया है कि नहीं। और मुख्य रूप से देखें तो मैं की क्रियाएं जहां हम लोग 10 शब्दों का प्रयोग किया था, ठीक है ना, और थोड़ा बढ़ा दें तो करीब 20 शब्दों का प्रयोग हुआ था। संबंध व्यवस्था अस्तित्व को भी जोड़े, इच्छा विचार आशा को भी जोड़े, है ना, तो कुछ और शब्दों को जोड़े, तो ऐसे शब्द हमको स्पष्ट है कि नहीं। और दूसरी बात की जो अस्तित्व की व्यवस्था की उन्होंने चर्चा की थी, तो स्लाइड में जितने शब्द थे वो सारे शब्द स्पष्ट है कि नहीं, ये हमको आगे हेल्प करेगा। नहीं तो होता क्या कि बात जो कही जा रही है उसका आशय क्या है कई बार स्पष्ट नहीं होता। ठीक है भैया। हाँ जी भैया, बढ़िया भैया। कृष्ण गोपाल जी, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, चूंकि कल के असाइनमेंट में था कि दिन में दिन भर जब भी हम जो भी क्रिया कर रहे हैं या हम जब भी हमें अपने विचारों को देखना है, जो कल्पनाशीलता में जो चल रहा है उसको देखना है, तो पूरा मैं उसके लिए दिन भर मैं उस पर ध्यान दे रहा था और कर भी रहा था। आपने बोला 4 घंटे में 10-15 मिनट, तो वो भी मैंने किया था। लेकिन शाम को थोड़ा सा एक अलग शेड्यूल था, कहीं जाना था किसी की पार्टी में, तो और ये पहले भी कई बार हुआ भैया कि आप दिन भर ये कर रहे हो लेकिन एक पर्टिकुलर शेड्यूल और पर्टिकुलर लोगों के साथ होने के बाद वो पूरा मैंने देखा कि 3 घंटे के आसपास था टाइम और वो बिल्कुल गायब था। तो ये कई बार होता भैया कि पूरा 2-3 घंटे तक आप ये सारी चीजें एकदम गायब हो जाती हैं और हम पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये अभी से अभी भी शुरू किया तब भी और बहुत जब पहले से भी मैं कर रहा हूँ किसी और प्रोसेस के थ्रू तब भी ये ही हो रहा है, तो ये थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली होता भैया। हाँ ठीक बात है भैया, तो इसी के लिए तो बात हो रही है कि हर क्षण सजग रहें। तो शुरुआती दौर में तो ऐसा होता है कि बहुत प्रयास पूर्वक सजग होना पड़ता है। एक बार पार्टी में गए तो फिर उसमें बह गए, है ना तो जो सब चल रहा है उसमें हम भी शामिल हो गए। परंतु अगर यदि अवेयरनेस बना रहता, जैसे आपने अभी सुबह में जो शेयर किया, तो अब ये शेयर करने के बाद जब अगली बार आप किसी अवसर पर जाएंगे तो अवेयरनेस में थोड़ा शिफ्ट मिलेगा आपको, थोड़ी सजगता बढ़ी हुई होगी कि देखो पिछली बार भी ये गलती हुई थी कि बिल्कुल बेहोशी में चले गए थे। नहीं भैया, एंट्री हुई अराउंड 15-30 मिनट्स तक वो रहा, क्योंकि पहले भी कई बार हो चुका है, तो मेरा स्टार्ट से था कि हम पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन में भी अवेयर रह पाते नहीं रह पाते, मेरा स्टार्ट में पूरा कोशिश था, वो कुछ कुछ रहा भी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आते गए शिफ्टिंग होती गई। और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भैया जो आजकल पार्टीज में होती जो हमारे हमारे मूल्यांकन में ठीक भी नहीं है, लेकिन आश्चर्य ये होता है कि हम भी उन्हीं चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं वापस, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और यूनिवर्सली देखें, उस तरह से देखें तो ठीक नहीं है, जिस तरह की कमेंटिंग, जिस तरह की बातें, जिस तरह की हंसी मजाक जो चल रही है वो थोड़ी सी लो लेवल पर आती है, जो कि किसी पर कमेंट करना, या जनरली आजकल लोग कपल्स एक दूसरे के लिए जैसे वेडिंग एनिवर्सरी है तो वेडिंग में जो शारीरिक संबंध की बात पे भी एक दूसरे पर कमेंट कर रहे होते हैं, तो चलो वो ठीक है, लगता भी है कि ये ठीक नहीं है, फिर भी हम भी कहीं कहीं धीरे धीरे उसमें चले जाते हैं, है ना। देखिए जो कल आप बात कर रहे थे ना कि ये चीज मुझे समझ में आ गई, समृद्धि को लेकर आपने कहा, उन्होंने कहा उसी को थोड़ा भी आराम आराम से चलते हैं, तो कुछ चीजें हमें लगता है कि हमें समझ में आ गया है, हमारे जीने में आ गया है, परंतु कई अवसरों पे हम उन्हीं मान्यताओं में दोबारा जीने लगते हैं जिनसे हम पहले ग्रस्त थे। तो पता लगता है कि अभी विचार के स्तर पे तो काम हुआ है, भाव के स्तर पे काम नहीं हुआ। और इस तरह के जो अवसर हैं वो हमको रिफ्लेक्ट करते हैं, हमको ऐसे अवसरों पर अपने मूल्यांकन का अवसर मिलता है कि देखो अभी हम कहाँ खड़े हैं। तो ऐसा होगा और आगे भी होगा। तो जब कुछ अनुकूल परिस्थितियां होती हैं जो हमारा प्रयास है समझने के लिए उसके लिए अनुकूल होती हैं, तो हमारा भाव विचार आचरण एक प्रकार का होता है। परंतु या तो प्रतिकूल होती हैं या किसी पुरानी दबी हुई मान्यता के अनुसार होती हैं, तो हम फिर उसके विपरीत जीने लगते हैं। अगर बिल्कुल प्रतिकूल आ गया तो फिर गढ़ी हुई मान्यताएं जो हमारे अंदर वो उभर के सामने आ जाती हैं, जैसे कोई हमारे प्रति विरोध का भाव रखकर हिंसात्मक व्यवहार करने लगे आदि आदि, है ना, या बिल्कुल
कन्फ्रंटेशन की स्थिति बन जाए, या फिर ऐसी मान्यताएं जिसमें हम पहले जी रहे थे और फिर वही मान्यताओं में जीना बन गया। तो जैसे कई बार उदाहरण देते हैं ना कि अगर बरसात के समय में आप देखें तो कच्ची सड़क हो और बैलगाड़ी चलती है तो क्या हुआ, सड़क में खांचे बन जाते हैं। अब एक बार जब बरसात चली गई तो सड़क सूख जाता है, मिट्टी का सड़क है, बट खांचे बने रहते हैं। तो जब पहिया है वो खांचों में नहीं चल रहा है तो लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, पर एक बार खांचा जैसे समीप आता है फिर खांचे में फंस जाता है, खांचे में गिर जाता है और वहां फंस जाता है पहिया। ऐसा ही हमारे जीने में होता रहता है। तो पहले कोई कंडीशनिंग हो गई, से खांचे बन गए हमारे, ठीक है ना। अब परिस्थिति बदल गई तो हम उन खांचों में नहीं जा रहे हैं, बट वैसे ही कोई अगर परिस्थिति आ जाती है सामने तो फिर हमारा पहिया खांचों में चला जाता है। ये होता रहता है बार बार जब तक उसका ठीक से मूल्यांकन ना हो जाए। तो अच्छी बात है भैया, जैसे कल जो घटना हुई इससे आपको ध्यान आकर्षण हो गया, अब अगली बार जब कोई ऐसी बात होगी तो आप सजग रहेंगे। और खास तौर पर ये जो अवसर होते हैं ना, पार्टी, मेरी मेकिंग, फन मेकिंग, है ना, इस तरह के जो अवसर होते हैं उस पर तो हम पहले से ही सजग हो जाए कि इसमें मेरी कोई भागीदारी है कि नहीं। तो जैसे ठीक है शादी ब्याह तो अटेंड करना ठीक है, है ना, हमने अटेंड किया एक संबंध का निर्वाह किया, बट उसका कितना भाग ठीक है कितना ठीक नहीं है वो तय करना जरूरी है। तो हम गए, हम सभी संबंधियों से मिलेंगे, अच्छे भाव से, स्नेह के भाव से मिलेंगे, अच्छी बातें करेंगे, वो तो ठीक है। जो खान पान होना है, जो गपशप होनी है, उसमें मेरी कहाँ कितनी भागीदारी उसको निश्चित कर लेंगे और पहले ही तय कर देंगे कि है ना इस चीज में मुझे अपनी कोई भागीदारी नहीं दिखती। जैसे कई बार होता है, आपने तो एक बात बताई कि बातचीत में जो लूजनेस होती है, कई बार होता है लोग ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, है ना, या अनावश्यक चीजें खाते हैं, तो उसको भी फिर ध्यान देंगे, उसे कह देंगे कि ये हमारा कार्यक्रम नहीं है, ये मेरा ध्यान जा चुका है और मैं इन चीजों को अब नहीं स्वीकारता, बिल्कुल तय करके बता सकते हैं। तो इस तरह के अवसर पर तो पहले से सजग हो जाएंगे अगली बार आप। जी, स्टेप वन में हम लोगों ने कल्पनाशीलता के प्रति सजग होने का प्रयास किया, उसके पार्ट बी में हम मुख्य रूप से भाव के प्रति सजग होने का प्रयास कर रहे हैं। स्लाइड चला गया। पार्ट बी में मुख्य रूप से अपने भाव के प्रति सजग होने का प्रयास करें। अब भाव का मतलब है भागीदारी, यानी जो हमारा जुड़ाव है किस प्रकार है, संबंध के भाव के साथ है या विरोध के भाव के साथ है, व्यवस्था के भाव के साथ है या अव्यवस्था के भाव के साथ है, सहअस्तित्व के भाव के साथ है या संघर्ष के भाव के साथ है, ये अपने आप में देखना है। तो पहले तो भाव के प्रति सजग होंगे, मूल्यांकन हम लोग बाद में करेंगे, और करने का काम यही है कि जैसे अभी इतनी सारी चर्चा हुई है ना, बहुत सारी घटनाओं को लेकर चर्चा हुई कि जब हम अपने ऊपर ध्यान देने जाते हैं तो हमारा ध्यान बहुत सारे मुद्दों पर बढ़ जाता है ना, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं जिसमें समाधान नहीं मिलता, तो भी ठीक है। इनफैक्ट ये जितने इश्यूज अभी शेयर किए गए वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होता यह है कि हम इन सब इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लाइफ में जूझ रहे होते हैं और हमें इसका समाधान भी नहीं निकलता, और जब हम ऐसे अभ्यास करने बैठते हैं तो लगता है कि क्या ध्यान दें, वही सारे मुद्दे हैं, समाधान तो निकल नहीं रहा। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे मुद्दे जो हमको घेरे हुए रहते हैं, है ना, उसको हम कहीं लिस्ट कर लें, उसकी एक सूची बना लें, जिसको पहले भी हमने कहा था कि जो मेजर कंसर्न्स हैं, तो स्पाउस के साथ रिलेशन, बच्चे के साथ रिलेशन, ठीक है ना, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कल एक दीदी शेयर कर रही थी, तो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो हम काम कर रहे हैं वहाँ पे जो रिलेशनशिप है हमारा, ये जो मेजर इश्यूज हैं, जब हम अपनी कल्पनाशीलता की ओर ध्यान देते हैं, जो हमको लौट लौट कर आते हैं, उलझाते हैं, उनको कहीं लिस्ट कर लें, ब्रॉड इश्यूज, ठीक है, और उसको ठीक से विश्लेषित कर लें, चाहे तो इस सत्र में हम लोग चर्चा करके समझ लें, पूछ लें, या फिर अलग से बात कर लें, जो ब्रॉड इश्यूज हैं जिसमें ध्यान फंसता रहता है हमारा। तो जैसे ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ कन्फ्रंटेशन की स्थिति बन गई है, बिल्कुल विरोध का भाव बन गया है अगले व्यक्ति के अंदर आपके प्रति या आपके अंदर दूसरे व्यक्ति के प्रति, अब आप आंख बंद करके भी ध्यान देने जाते हैं तो वही दिखाई देता है, आंख खोल के ध्यान देते हैं तो भी वही दिखाई देता है। तो ऐसे ब्रॉड इश्यूज जिसपे हम उलझे हुए हैं बहुत, मतलब गहरे में, उनको जरा लिस्ट कर लें हम, तो आप पाएंगे जैसे हम अपने ऊपर ध्यान देने जाते हैं, कल्पनाशीलता पर ध्यान देने जाते हैं, ये मुद्दे हमको घेरने लगते हैं। और ये हो सकता है, ये हर व्यक्ति के साथ किसी न किसी रूप में होता है, किसी का स्पाउस के साथ हो सकता है, किसी का बच्चे के साथ, है ना, किसी का कलीग के साथ, किसी का फ्रेंड के साथ हो सकता है, उनको लिस्ट कर लें, नोट कर लें। किसी ने हो सकता है कि मकान EMI पे लिया हुआ है, अभी जॉब चली गई है, तो जैसे ध्यान देते हैं तो EMI की चिंता हो रही है,
किसी घर में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक आंख, तो जैसे ध्यान देने जाते हैं तो यही सारे मुद्दे घूमने लगते हैं अपने अंदर। उसको लिस्ट कर लें, नोट कर लें, और फिर उसके बाद उसका क्या समाधान, उसका उस पर विचार कर लें, जरूरत हो तो चर्चा कर लें, ताकि आप ठीक से सजग हो पाए क्षण क्षण में अपने भाव के प्रति, विचार के प्रति। तो इससे दोनों चीजें होंगी, एक तो आपके भाव के प्रति आपकी सजगता बढ़ेगी, दूसरा ये जो निर्वाह के मुद्दे हैं ना, इसमें आप सटीक निर्णय ले पाएंगे, तो ये भी काम होगा। तो उसको हम लोग कर लें। और इसमें जो अभ्यास एक के स्टेप वन में जो हम कह रहे हैं वो ये है कि बिना मूल्यांकन किए, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना रोकने का प्रयास किए, बिना बदलने का प्रयास किए, हर क्षण अपनी कल्पनाशीलता को देखना है, ठीक है ना। तो जी बढ़िया। तो आप देखेंगे स्टेप वन जो है वो वैसे तो सरल है परंतु महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि कल्पनाशीलता निरंतर चल ही रही है, देखने की क्षमता हमें स्वाभाविक रूप में है ही, मुझे बस देखने का निर्णय लेना है और देखना है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षण में मेरा सुख दुख मेरे ही भाव विचार पर निर्भर करता है, मेरी कल्पनाशीलता पर निर्भर करता है। तो इसको अपने आप में हम देखें, कल इस स्लाइड को सामने रखकर हम लोग और चर्चा करेंगे। और आज के लिए असाइनमेंट ये होगा कि एक तो अभ्यास हम लोग हर 4 घंटे पे करते रहें, नोट करते रहें, और जो ब्रॉड इश्यूज हैं जिससे हमारी कल्पनाशीलता प्रभावित होती है उसको कहीं नोट कर लें, है ना, उस पर कल हम लोग बात भी कर सकते हैं। तो सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। सत्र पूरा कर लेते हैं, समय हो चला है। सभी को नमस्ते।